हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मेरे साथ है अमित। और ये जानते होंगे कि अमित क्या है, इसकी खूबी क्या है। खामोश है, कुछ तो बोलो। अभी हम कहा रहा है के मूड में है तो बाद में बाद में बात करेगा ये। तो चलिए आपको अभी दिखाते हैं कि हम लोग अभी खजूर तोड़ने के लिए आए थे इधर सिमुल नगर तरफ, जो कि आज यही पे सोचे कि एक ब्लॉग डाल देंगे खजूर का। ये भी एक हमारा जो है नेचुरल फ्रूट से है क्योंकि प्रकृति में बहुत ही अच्छी तौर से मिलता है, क्योंकि इसका पेड़ जो है काफी सारा है, क्योंकि इसका पेड़ कुछ काम का नहीं होता, इस वजह से इसको सब कोई मतलब छोड़ देता है, दूसरा कुछ पेड़ को मतलब काटने में लग जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी आपको दिखाएंगे कि खजूर जो है किस प्रकार से इस पेड़ में फलता है और किस प्रकार से पका हुआ खजूर जो है गिरता है, तो अभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हम लोग आज देख सकते हैं कि प्लास्टिक लेके आए हैं, देखो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक लेके आए हैं, अभी इसी से हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सब ब्लॉग पे बने रहिए और देखते रहिए कि हम लोग आज का ब्लॉग में किस प्रकार से खजूर जो है तोड़ते हैं और कैसे अपने मतलब प्लास्टिक में पैक करके घर चल जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं खजूर पेड़ के नीचे और ये देख सकते हैं ये दोनों कमीने इधर है और ऊपर से ये है खजूर का पेड़। अभी यहाँ पे एक तो लंबा लकड़ी हम लोग लेके आए हैं और ये है अपना देसी ट्रिक जिससे हम लोग पेड़ से मतलब खजूर को उतारते हैं। ये देखिए, ये है हम लोग का एक ट्रिक। क्या बात है सर, क्या बात है। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे खजूर का टेस्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे पेड़ पे मतलब खजूर उतारे जो कि वो टेस्ट नहीं था, तो अभी हम लोग का टेस्ट करने में लगा हुआ है हमारा हरि ब्रो इधर, इधर मानिक दादा है, ये देखिए टेस्ट करने में लोग लगे हुए हैं। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग को मतलब कड़ी मेहनत की है तब जाके हम लोग को आधा प्लास्टिक जो है दिख सकते हैं खजूर प्राप्त हुआ है। अभी हाल फिलहाल में मतलब बहुत ज्यादा धूप हो रहा है, तो हम लोग का थोपड़ा दिखे तो पता चल ही रहा होगा कि अब सूर्य भगवान का पावर अभी कैसा है। तो अभी बस हम लोग थोड़ा आराम करने के लिए इस ताड़ पे जो है ना, ताड़ पे उसी का भी नीचे हम लोग छाया में हम लोग बैठे हुए हैं, तो इसी में हम लोग सोचे कि थोड़ा बहुत चलिए खा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा खजूर जो आज हम लोग कलेक्ट किए हैं सुबह में आके, यही हम लोग का काम था जो कर चुके हैं। मतलब ऐसे लोकल क्षेत्र का जो भी मतलब लोग बिलोंग करता ना, ये तो उन्हीं लोग को पता होगा कि हमारा प्रकृति का स्वाद क्या है। प्रकृति जीवन देने से कर मरण तक हर हाल में हर एक चीज में हम लोग को सपोर्ट करता है। कोशिश करते रहना चाहिए हम लोग को कि प्रकृति को हरा भरा रखने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी का सिचुएशन अगर जैसा चल रहा है, अगर वैसे रहा तो अगर हम लोग समझ ही सकते हैं हम लोग के साथ क्या होने वाला है। ये जो फल फ्रूट है ना, ये मिलने वाला नहीं है आगे, आज हम लोग जो मिल रहा है वो आगे आने वाले दिनों में हम लोग को नहीं मिलने वाला है, अगर ऐसे हम लोग को प्रकृति को मतलब क्षय करते जाएंगे, नष्ट करते जाएंगे। तो सो गाइस, फाइनली हम लोग का जो खजूर कलेक्ट करना था, ये देखिए खजूर जो है हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं, अभी हम लोग जस्ट घर के ओर निकलेंगे। तो ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा यार, क्योंकि हर दिन की तरह अभी कंटिन्यू लगातार हम लोग का जो है ब्लॉग अभी मैं डालने वाला हूँ इस चैनल पर। तो जो कोई भी चैनल में नए सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।